विधानसभा चुनाव अपनी चर्चाओं का विषय लगातार बना रहा है, ऐसे में आप टिकट का वितरण हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? टिकट का वितरण पार्टी ने बढ़िया सोच समझ कर काफी सर्वे करके दिया है और भाजपा कैंडिडेट राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से बहुत मजबूत कैंडिडेट है। चुनाव में आपको लगता है कि राव नरवीर के खिलाफ मैं बात करूं या मुकाबले में कौन और अन्य प्रत्याशी रह सकता है? मेरे ख्याल से अब की बार कोई मुकाबले में नहीं रहेगा, जैसे कि पिछली बार जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो जो निर्दलीय विधायक राकेश जी थे वो काफी दिनों से सोशल वर्क में थे तो उन्होंने मुकाबला थोड़ा बहुत किया, अब की बार वो है नहीं, भगवान को प्यारे होंगे तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब की बार मैदान में उनकी सीटी है और वो कह रही है कि जनता का समर्थन उनकी तरफ है, रुझान उनकी तरफ है, इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी तरफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि राकेश जी विधायक बनने के बाद एक दिन भी अपनी विधानसभा के अंदर अपने लोगों के पास कभी धन्यवाद तक करने के लिए नहीं आए। एक तो बड़ा जरूरी सवाल, आपने कहा कि वो लोगों के बीच में नहीं आए, लेकिन जब उनके बच्चों से, उनके बेटे से या उनकी धनपत्नी से बात होती है तो वो ये बात कहते हैं कि हम कार्यनीति पर ज्यादा स्थापित रहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारी टीम जो है वो काम करती है, इसको आप किस नजरिए? कार्यनीति पे तो राकेश ने भी कार्यनीति चलाई थी, तो कार्यनीति की क्यों नहीं, कभी जनता का धन्यवाद तक करने नहीं आए, वोट लेकर चले गए, तो वो किस बेस पे ये कहते हैं अपने आप को कि भाई हम दोबारा इस जनता से वोट मांगने का हमारा मुंह है? राव नरवीर के खिलाफ एक इससे जुड़ा हुआ सवाल हल करेंगे, जिस तरीके से सियासी पारा लगातार उन्होंने चढ़ाया, अब आपके समर्थक, उनके समर्थक इस तरीके से बात करते हैं कि शेर आया शेर आया, जिस तरीके, तो क्या लगता है इस बार इस शेर के आगे ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी वर्धन यादव हो सकते हैं और वो भी अहिरवाल के बोर्ड पर कुछ साध सकते हैं, क्या आपको लगता है? वर्धन यादव ठीक है, मेहनत करना सबका काम है, अपनी जीत गाना सबका अपना काम है कि मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। नरवीर सिंह के सामने कुछ भी नहीं है, कोई प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है, बादशाहपुर में एक तरफा सारा होगा सर, बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं कि बादशाहपुर में इस बार नरवीर द्वारा कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 1.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं? मुकाबला रहेगा ही नहीं, क्योंकि मनीष यादव को तो पिछली बार टिकट मिली तो वो हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन वो दोबारा कभी जनता का धन्यवाद भी करने नहीं गया। एक हारने वाला कैंडिडेट भी अपना जाके धन्यवाद करता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई मेरे को जो समर्थन मिला ठीक है मैं करूंगा। और रहा बात राकेश की, ना जीतने वाला गया धन्यवाद करने के लिए, ना हारने वाला गया धन्यवाद करने के लिए, तो जनता के साथ कितना बड़ा मजाक हुआ। एक छोटा सा सवाल जरूर लेना चाहेंगे आपसे, प्रदेश की राजनीति की ओर, बीजेपी में अब ये हड़कंप समझ गया है राव नरवीर की टिकट आने के बाद, गुरुग्राम की दूसरी सीट पर बात करें तो वहां से टिकट आने के बाद आपसी बगावत कह सकते हैं या मतभेद कह सकते हैं, पदाधिकारी अपने पदों को छोड़ना शुरू कर दिया है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ऐसा है, वो सबका छोड़ के भागने का अपना अपना नजरिया है, फूल तो एक है, टिकट तो एक है, मिलेगा तो किसी एक को, जो सर्वे रिपोर्ट बोलेगी, रिपोर्ट आ रही है नीचे से, 3 बार सर्वे हुआ, 4 बार हुआ, जिसका हुआ उसी को तो प्लस हुआ तो उसी को तो टिकट दी जाएगी, ऐसे थोड़ी नहीं भाई एक पहले नंबर पर बैठा है और एक नीचे बैठा तो उसको दे दिया, बीच में से काट के दे दी, फिर तो पार्टी हार जाएगी। पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकटें बांटी है। नंबरदार जी, इससे सवाल ये भी बनता है कि पिछली बार जब टिकट कटी थी राव नरवीर जी की, तो क्या वो कारण रहे जिस कारण से टिकट कटी, और इस बार वो क्या कारण बने जिनसे उनको टिकट मिल चुकी है? राव नरवीर सिंह ने इतना विकास कार्य किया था कि टिकट कटने का तो हमें ही नहीं पता चला और जनता के साथ धोखा हो गया। राव नरवीर सिंह को नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला, लेकिन उस पिछले कार्यकाल को देखते हुए लोगों के अंदर एक भावना थी कि हमारा नेता आए, हमारे बीच आए, हमारे गुड़गांव का विकास कार्य फिर दोबारा शुरू हो। इस तरह के वो विकास कार्य हैं जिनको जनता के सामने आप लेकर के जा रहे हैं कि जो जनता माने कि हाँ उनके द्वारा ये विकास कार्य करवाया गया। सारे जितने भी आपके नेशनल हाईवे 8 पे जितने भी अंडरपास और फ्लाईओवर ये बने हुए हैं, ये सब राव नरवीर सिंह की देन है। आपका सोना एलिवेटेड राव नरवीर सिंह की देन है।
आपका द्वारका एक्सप्रेस वे राव नरवीर सिंह की देन है, आपके रेलवे के जितने भी ओवर ब्रिज है वो सब राव नरवीर सिंह की देन है, इतने विकास कार्य हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने विकास कार्य हैं। और वो होते होते फिर प्लानिंग में, जैसे कि गुड़गांव का बस अड्डा था, गुड़गांव का सरकारी हॉस्पिटल था, उनका टेंडर पास हो गए थे, उसके बाद नहीं हुए, पता नहीं सारे नए नए विधायक आए थे यहाँ से, तो निर्दलीय विधायक था, उसने कुछ किया ही नहीं। तो जो चीजें प्लानिंग में थी वो अब स्टार्ट हो जाएगी। इसी चीज को देखते हुए लोगों ने मन बना लिया था कि हमें राव नरवीर सिंह चाहिए, राव नरवीर सिंह चाहिए, ऊपर सर्वे रिपोर्ट यही गई। नंबरदार जी, सवाल हो रहा है कि राव नरवीर सिंह के लिए आपने बोला कि 1.5 लाख वोटों से वो इस बार जीतने वाले हैं, तो इतनी भारी जीत के बाद में सबसे पहले कार्य कौन कौन से उनके कलम से होने वाले? कार्य तो बहुत है, सारे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि अपना ये एक्सटेंशन जो रोड है गोल्फ कोर्स, इसके जितने भी फ्लाईओवर बनने हैं, हर चौराहे पे जाम लगते हैं, तो वो सारे शुरू हो जाएंगे। सकू है, बस स्टैंड का है, मेडिकल हॉस्पिटल है, हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी, सब चीजें होंगी, बहुत कुछ होगी, जनता ने बहुत मन बना रखा है। और अमित शाह जी ने जो टिकट बुला के दिया है वो मैसेज जाता है कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा उदा मिलेगा। आप कहना चाहते हैं कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद गुरुग्राम वासियों ने नहीं की है और गुरुग्राम वासियों के लिए कुछ बड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दक्षिण हरियाणा ने ही आगे बढ़ाया है, और दक्षिण हरियाणा को अब की बार तोहफा मिलेगा। एक बड़ा जरूरी सवाल आपने किया है कि कुछ तोहफा मिलेगा, इससे जुड़ा हुआ हम एक सवाल करेंगे। पिछले चुनाव में जब राव नरवीर की टिकट कटी थी उस दौरान सभी आश्चर्यचकित थे, जैसा अपने आपने बातों में कहा, एक खबर और चली थी और वो चलते चलते कुछ इस तरीके से पूरे प्रदेश में दौड़ी कि राव नरवीर सीएम रेस का चेहरा भी हो सकते थे, पिछली बार ये हवा चली, क्या इस बार आपको लगता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो? नहीं, सीएम बनाना तो पार्टी का काम है, पार्टी किसको बनाएगी वो तो एक अलग बात होती है, जब इलेक्शन हो जाएंगे पार्टी हमारी जीत के आएगी, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, मंत्री बनेंगे, मंत्री जी क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, क्या क्या विभाग मिलते हैं या कुछ और होता है, वो उस टाइम पे जो ऊपर जो लोग बैठे वो करेंगे।